सीवान जिले के दरौंदा थाना इलाके के सिरसाव गांव में मौजूद है, जहां पे भाकपा नेता जयशंकर पंडित के घर पर अपराधियों द्वारा फायरिंग से घटना को अंजाम दिया था। मेरे साथ भाकपा माले के नेता जयशंकर पंडित मौजूद हैं। सर, क्या कुछ घटना घटी हुई थी आपके घर पे? सर, आज 4 बजे हम ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना मिला कि मेरे घर पर मैं इंडिया गठबंधन के तहत जो कार्यक्रम सिवान में हो रहा था, पर बढ़ते अपराध के खिलाफ उस कार्यक्रम में सिवान में था, और 4 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि मेरे घर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया है। और जब मैं वहां से आकर के देखा तो अभी भी 2 निशान उपलब्ध, गोली भी उपलब्ध है हमारे घर के गेट में। अच्छा। जो स्टील का गेट है उसमें अभी भी एक गोली फंसा हुआ है। अच्छा। तो लगातार इस तरह की घटना हो रहा है। और हम लोग पहले भी 11 फरवरी को मुझे दलितों के जो सवाल था, दलितों के सामान में जो दलितों का पुआल था उसको लेकर आग लगा दिया गया था, उसी को पूछताछ के लिए मैं गया था। तब तक मुझे ताबड़तोड़ फायरिंग किया जिसमें 3 लोग को गोली लगी और मेरे पैर में भी गोली लगी थी, और बाल बाल मैं बचा और मैं छुप गया था। उसके बावजूद भी अपराधी लगातार गोली मार रहे थे, और फिर आज अपराधियों द्वारा मेरे घर पर ऊपर मेरे पत्नी की हत्या करने की नीयत से, मेरी हत्या करने की नीयत से, हो सकता है कि कार्यक्रम की उनको सूचना हो और वो मुझे रोड में टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं मिला, जिसकी वजह से वो गुस्सा में आकर मेरे घर पर फायरिंग किया। लेकिन खास करके मैं दरौंदा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जब से दरौंदा में हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों के सवाल पर लड़ने के लिए, गरीबों के जब कोई दिक्कत परेशानी आता है उसको लड़ते हैं हम लोग, और जब से खास करके माले आई है तो यहाँ सामंतों को अपना लगता है कि भाई माले आ गई है, अब हमारा किसी बात को नहीं चलेगा, क्योंकि उसी सामान में और सरफी राम को संविधान दिवस के दिन गोली मारकर हत्या कर और लाश को फेंक दिया गया था सड़क के किनारे। मैंने उसमें आंदोलन करके डॉग स्क्वाड को बुलवाया, डॉग स्क्वाड बुलाने के बाद वो जांच कराया, लेकिन कितनी साती तरीके से अपराधियों ने हत्या का अंजाम दिया था कि वो डॉग स्क्वाड भी नहीं पकड़ पाया। और इससे संबंधित अपराधी ताकतों को लगता है कि अगर कहीं भी हम कोई गलत काम करते हैं तो माले के लोग और सबसे पहले जयशंकर पंडित वहां पहुंचते हैं, इसलिए जयशंकर पंडित को दरौंदा से ख़त्म कर दो तो माले की लड़ाई रुक जाएगी। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने देखा है सिवान में हमारे साथियों को 150 हत्याएं हुई है, लेकिन माले कभी रुका नहीं है और माले हम निरंतर बढ़ते गए। इसी सिवान में आज हम 2 विधायक जीते हैं, पूरे बिहार में 12 विधायक जीते हैं, अभी 2 सांसद हम लोग जीत के आए। तो माले पूरी तौर पर किसी अपराधी से नहीं डरती है, किसी हत्या से रुकने वाली नहीं है। भगत सिंह के वारिस हैं हम लोग, भगत सिंह को मानते हैं, और भगत सिंह कहते हैं कि जरूर जनता के लिए और गरीबों के लिए जरूरत पड़े तो अपने जान निछावर करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और इसीलिए उनका अपराधियों की गोली चला देने से कोई डर नहीं है। मुझे गोली मारेगा फिर भी हम लोग निरंतर काम करते रहे, गरीबों के सवाल को लड़ते रहे। अपराध आज मैं अपराध के सवाल को, जिस अपराध के सवाल पर मैं एसपी के खिलाफ भाषण दे रहा हूं और वह अपराधी आकर के मेरे घर पे गोली चलाए, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार में किस तरह से अपराधी बेलगाम है। नीतीश कुमार जी न्याय की बात करते हैं और लगातार गोली चल रहे, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, सिवान में 18 लोगों को गोली मारा जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि सिवान प्रशासन की रवैया क्या है। हम लोग अपने जनता को तैयार करेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल उन गरीबों का है जो चाहते हैं कि हम दरौंदा में मान सर ऊंचा करके जिए, यह सवाल उनका है जो चाहता है कि हम अपनी पेटारी को अपने बदौलत हम 100 रुपये की कीमत पर बेचे। वो गरीब चाहता है जी कि हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन में अपनी खेती करके और हम अपनी जमीन को अपनी सुरक्षित हाथों में रखें, यह लड़ाई उनकी है। मैं पूरे दरौंदा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई मेरी नहीं है, मुझे नहीं गोली मारा गया है, यहाँ के हर दलित को गोली मारा गया है, ये हर गरीबों को गोली मारा गया, हर मजदूरों को गोली मारा गया है। इसलिए के लोगों से अपील करूंगा कि आप अपनी लड़ाई को इसको समझिए, और इस लड़ाई में हजारों की संख्या में आकर के कल हम दरौंदा में प्रोटेस्ट करेंगे कि दलितों पर हमला नहीं चलेगा, गरीबों का हमला नहीं चलेगा, इस लड़ाई को हम गरीबों को संगठित करके लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आपके द्वारा FIR का आवेदन दे दिया गया है, इस घटना को लेकर प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? प्रशासन से मांग करेंगे कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो। 11 फरवरी 2024 को सामान में गोली चला और अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कल एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, इससे अपराधी और बौखलाई हुई है कि माले के आंदोलन के बदौलत एक अपराधी गिरफ्तार हो गया। तो वो लोग कह रहे थे कि पहले कई लोगों से कह रहे थे कि कंप्रोमाइज कर ली, नहीं तो हम और हत्या करके ही जाएंगे, लेकिन मैं दिखा देना चाहता हूं कि आपके डराने से हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम और आंदोलन में जाएंगे।